सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारी स्रोतों जी, आया जी। हाँ जी, इतने 30 सितंबर तक लिए पाबंदी रहेगी जारी। ताज़ा वड्डी खबर आ चुकी है। खबर में शुरू करने तो पहला जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लें, तो वीडियो में हाथ तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। हाँ जी, प्राप्त जानकारी अनुसार हुण मोगा के वधीक जिला मैजिस्ट्रेट सुभाष चंद्र वालों प्राप्त अधिकारों की वरतों करदिया होया जिथे इसकी जानकारी दी है कि पंजाब अंदर वक् वक् थावां ते नकली ते अन अधिकारित समान वेचे जाने के मामले सामने आए हैं, जिसन देखते हुए जिला अधिकारियों वालों फैसला लेंदे हुए अन अधिकारित तौर पर वेचिया जाने वाली चीज़ों उपर रोक लगा दी है, क्योंकि अन अधिकारित समान वेचन के कई मामले सामने, जिसन मद्देनज़र रखते जिला मैजिस्ट्रेट वालों ब्रीडिंग पॉलिसी अनुसार इस्त्री करना सही नहीं है, इसलिए पेंडू ते शहरी खेतरां च हुण अन अधिकारित तौर पर भंडारण कर ट्रांसपोर्ट कर वर्तन जां वेचन ते पूर्ण तौर पर पाबंदी ला दिती है। जी हाँ, जिला मैजिस्ट्रेट वालों यह पाबंदियां कुछ जगह पर लागू नहीं होणगियां, जिवें पशु पालन विभाग पंजाब, मिल्क फीड रूरल वेनेटरी हस्पताल, पशु पालन विभाग दीयां वेनेटरी संस्थावां समेत पशु हस्पताल, डिस्पेंसरियां, पोलीकलीनिक ते गढ़वासु लुधियाणा वालों चलाए जा रहे आर्टिफिशियल इमीग्रेशन सेंटर, पशु पालन विभाग वालों प्रोसैस से सप्लाई जां इंपोर्ट किए हुए वैबोविन सिमन नूं वरत रहे प्रोसैसिंग डेयरी फार्म एसोसीएशन। जी हाँ, बाकी खबर अंत तक देखने लिये तुहाडा बहुत बहुत